प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने वाराणसी दौरे पर थे और अभी थोड़ा देर पहले उनका संबोधन खत्म हुआ है और भावतपुर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने जनवरी में फिर से आने की बात कही है, क्योंकि वाराणसी में जो 3 दिवसीय जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना, उसमें प्रधानमंत्री का आगमन होगा। इसके अलावा उन्होंने रिंग रोड और माँ गंगा को लेकर जो भी योजनाओं की आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उनके बारे में भी आज विस्तार से बताया है और माँ गंगा को अपना एक बार फिर से आदर्श और सारी चीज़ें बताते हुए उनकी सफाई का वादा किया है और देश से ये भी संदेश दिया है कि माँ गंगा के प्रति वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और गंगा का पैसा पानी में नहीं बहाया जा रहा है। वहीं नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यह वादा किया है कि मार्च तक 70 से 80% गंगा शुद्ध होगी। फिलहाल गंगा पर पूरी तरह से आज प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का फोकस रहा और वाराणसी को 2412 करोड़ रुपए की सौगात भी मिल गई। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।